लोग ने इधर विश्व के हाथ उधर हुस्न की खैरात उधर हुस्न की खैरात तो ज़ियारत जब जाओगे कब जब जब मिलेगी तो जिसका फीस लिख के ही नियत कर लिया क्या हम तो पार्टी के नबी जा रहे हैं दिख जाएगा मुस्तफा करो कहां कौन कौन था कहां खैरात इतने दूर की मसाफा न जहाज का दौर था न कार का दौर था हुक्मों का जमाना था को महीनों चल 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 जाकर मक्के से मदीने का सफर हुआ कोई रिश्ता भी तो नहीं था फिर क्यों गए थे कभी मेरे साथ के की मानो तुमने बकात छोड़ दिया तुमने अपने औरत को तलाक देने की बात की खुदा की रजा के लिए तो जवाब मिलेगा अरे जहाँ इस्लाम होता है वहाँ के नाते का रिश्ता नहीं होता है वहाँ का भीड़ का रिश्ता नहीं होता है मुस्कुरा के बोल दो सुभान हाथ उठा के बोलो सुभान एक सहाबी रसूल का दौर था एक ऊपर एक नीचे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है सिर्फ से दो रूम है जो रूम चाहे मेरा भाई सुभान अल्लाह इस एक इतनी सी बात है कि सिर्फ एक जुमला कह रहा है जी 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 इस एक जुमले को अगर सुनने वाले होश के साथ सुने तो तारीख इस्लाम की पूरी कामयाबी सिलसिली हुई है जी जी इस्लाम आपको जो कामयाबी मिली ना वो कड़वा है अगर सच्चाई और इससे अदरवाइज में जाइएगा अगर सिर्फ इतना बता रहा हूँ नमाज से अपनी कामयाबी जी जी रोजे से अपनी कामयाबी हज से अपनी कामयाबी जमात की कामयाबी सुभान अल्लाह जमात की कामयाबी इत्तेहाद से इत्तेहाद से है बड़े बड़े मुअल्लिफों ने लिखा है कि अगर मोहम्मद अरबी की तरबियत के नतीजे में अगर मोहम्मद अरबी की तरबियत के नतीजे में कबीले अंसार और मुहाजिर का मिलन नहीं होता तो इस्लाम दुनिया में फैल जाता अल्लाह इस्लाम है इतनी कम मतलब इस्लाम फैला के 23 साल का तो नहीं हुआ मक्के से मदीना निकला मदीने में रियासत मदीना कायम हुई रियासत मदीना में कबीले अंसार और कबीले मुहाजिर का मिलन हुआ अब मिलन के बाद वो इस्लाम का फैलाव हुआ 23 ही साल में इराक मुसलमानों का हो गया इराक इस्लाम का हो गया ईरान इस्लाम का हो गया आर्मेनिया इस्लाम का हो गया अज़रबैजान इस्लाम का हो गया तुर्कमेनिस्तान इस्लाम का हो गया शाम इस्लाम का हो गया भाई इत्तेहाद जिंदगी है इख्तलाफ बहुत है मुल्की में इख्तलाफ पीर में इख्तलाफ मदर से मदर से इख्तलाफ खानकाह में इख्तलाफ जब यही इख्तलाफ ना हो तो क्या किया इसलिए मुझको लगता है कि हमें अपनी इस्लाह करने की सख्त जरूरत है सुभान अल्लाह बोल तो सुभान अल्लाह ऐसे कहां से बोल पाए ऐसे कहां बोल पाए मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह तकलीफ खत्म होने लगी लेकिन एक अच्छा कलाम मैं फिर से सुन लूं जी मगर मैं सुनूंगा कोशिश छोड़ने वाला नहीं हूं इंशाल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह अब देखिए मिलन मिलन देखिए इसी मिलन के नतीजे में इस्लाम इसी मिलन के नतीजे में इसी मिलन के इस्लाम इस्लाम फैला मुस्तफा मदीने सब चलो मदीने सब चलो मदीने सब चलो मदीने सब चलो मदीने को ओलामा ने यहाँ तक लिखा कि कोई बगैर पूछ लेते मक्के में रह गया तो
गुनहगार होगा। क्यों मौला गुनहगार क्यों? काबा यहाँ है गुनहगार, संगे अयोध्या है गुनहगार, हजर अयोध्या है गुनहगार क्यों? तो जवाब आया सब यहाँ है मगर रब, इसीलिए तो बरेली वाले आका ने कहा उनके तुफैल उनके तुफैल हद भी खुदा ने करा दिए असले मुराद हाजरी उस पागल क्यों क्यों के होते कहा खलीलों में ना सब तेरे घर की है। अच्छा अच्छा एक नुक्ता और बता के मैं गुफ्तगू समेटता हूं। तौबत मत यहाँ, तौबत मत, तौबत मत घर, तौबत मत दुकान में, तौबत कीजिए आबादी की मस्जिद में भी, मगर कोई भी गारंटी दे सकता है कि तौबा कबूल होगी? तौबा कीजिए काफी, कोई गारंटी है कि तौबा कबूल होगी? चूंकि हुक्म है इसलिए हम चल चल चल। और एक बात याद आई, हजरे असलम जो चूमते हाजी साहब, तो जैसे हजरे असलम चूम रहे थे, चूम रहे थे, तो हजरत उमर ने फरमाया एक पत्थर इनका हजर मगर इसलिए चूमता हूँ कि तुझको मेरे मुस्तफा ने चूमा, मगर इसलिए कि तुझको मेरे मुस्तफा ने चूमा है, तो गालिबन नहीं मिलते तेरे मौला अली फरमाते या अल्लाह ला तकुल हाजा। उमर ऐसा मत कहिए, मैंने सुना है अपने महबूब से कि ये वो पत्थर है जो फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है, जो मोहब्बत से चूम ले उसके गुनाहों को चूस लेता है, जो जो मोहब्बत से न चूसे उसके गुनाहों को जब्त नहीं करता है, इसलिए ये पत्थर होगा जो नफा फाते नुकसान फाते, मगर मुस्तफा ने जिसे चूम लिया है वो नफा भी देता है वो नुकसान भी देता है, जो वफादार बनकर आता है उसे सेवा मिलता है, जो गद्दार बनकर आता है उसे हजरत अली का ये कहना ये बता रहा है कि सब चूमने वाले वफादार नहीं होंगे, सब चूमने वाले वफादार नहीं होंगे, चूमने वाले में दोनों कैटेगरी के होंगे। जो ये कहेंगे कि मदीना अगर जा भी रहे हो मस्जिद नबवी की नियत करके जाना, मुस्तफा के रोजे की नियत करके मत जाना, पता चला दिल में कुछ है, दिल में कुछ है, यहाँ तो काबा छोड़ा जा रहा है मुस्तफा के लिए, यहाँ तो हजरे असलम छोड़ा जा रहा है मुस्तफा के लिए, यहाँ तो मीना तक तू छोड़ा जा रहा है मुस्तफा के लिए, कि जब मुस्तफा नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद बाकी लोग कहते हैं सफर करो तो मदीने की मस्जिद नबवी की नियत से सफर करना, पता चला दिल में कहीं कुछ है, मगर जब अल्लामा इस्माइल साहब गए तब क्या हुआ, जब हाजी जुनैद साहब गए तब क्या हुआ, जब अब्दुल सत्तार साहब जाएंगे तब क्या होगा, इनका तो मामला यही रहेगा उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी इस पागल है, यही है मजबूरी मत मत कर करवा पे काबो, गड़बड़ मत करना, हर जब छूटा तो हट गया, वाजी छूटा तो दम निकाल, वरना तेरे हज का दम निकल गया। सब कर सब कर सब कर, मगर करने के बाद भी
अगर जाता है कि तेरी मजदूरी कबूल हुई है तो इनाम मिल जाए, तो फिर दिल लेकर पहुंच जाना मदीने रफाए मुस्तफा और कहना या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा है मन ज्यादा तकरी व जबत लो शिफा आका आप ही ने तो कहा कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्र की ज़ियारत ज़ियारत और है देखना और है ज़ियारत है भाई साहब हम आपको मुस्कुरा के बात ठीक नहीं है आप नौशाद हमारे अब्बा हुजूर के अध्यक्ष शासकों में है मेरे बड़े भाई इसलिए इतना हक मेरा होता है तो काफी जाफरान जान लूट के आ जाए सोए हुए को उठा देना रुकते हुए को हंसा देना भागते हुए को रोक लेना रुकते हुए को भगा देना इनकी फितरत सानिया है मोहब्बत से मुझे सुहा रहा सुभान अल्लाह क्या मैं कह रहा था मन ज़ियारत करती वजबत लहू शिफात की ज़ियारत करना और है देखना और है आप बस पर चल रहे रिक्शे पे जा रहे साइकिल से जा रहे बगल में मजाक से देखा इसे जा रहे जा रहे देखा जा रहे जा रहे देखा जा रहे जा रहे और देखा दिल की दुनिया बदल गई। अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह देख रहे हैं यही तो है जो रब के महबूब की बख्शिश की हवा चले ये भी कहेंगे मुझे भी इजाजत मिली है मैं भी बख्शू मैं भी बख्शूंगा यही तो सलाम कबूल कीजिए ना बख्श दीजिएगा सलाम कबूल कीजिए ना यही वजह है कि अजमेर जो जाते हैं अजमेर शरीफ तो इस नियत से नहीं जाते कि देखना है इस नियत से जाते हैं ज़ियारत करने सरकार के ओहदे पर पहुंचे ज़ियारत मजार बोल ही रहा है कि मैं ज़ियारत की जगह हूँ मजार बोलता ही है कि मैं ज़ियारत की जगह हूँ तो ज़ियारत में तवज्जो ज़ियारत में गौर व फिक्र भी है ज़ियारत में कैफियत भी है ज़ियारत में उधर हुस्न की दौलत इधर इश्क का खजाना या ये कह लो कि इधर इश्क के हाथ उधर कह लो कि इधर इश्क के हाथ उधर हुस्न की खैरात उधर हुस्न की खैरात तो ज़ियारत जब जाओगे कब तक जब मिलेगी तो जिसका फीस ली यही नियत कर लिया कि हम तो मस्जिद नबवी जा रहे हैं दिख जाएगा मुस्तफा का रोज़ा तो देख लेंगे तो यही उसका रास्ता कट गया कि शफाअत उसके लिए नहीं है मगर जिसने पहुंच का कपड़ा बदला है आंखों में सुरमा लगाया है खुद को खुशबुओं में बसाया है दरूद उठाने रबों पे सजाया है उसके बाद हाथ बांधे निकला है अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जाने वाले पर तो सुवाने की आता बोल रही है सुरमे की सियाही बोल रही है इतने की खुशबूएं बोल रही है कपड़े की साफी बोल रही है बने हुए हाथ का टेबल बोल रहा है सरकार आ गया हूँ सरकार आ गया हूँ सरकार आ गया हूँ बस सरकार ने कहा तू आया है ज़ियारत की नियत से तो बन सारा आदमी बन जब बहुत शफाती जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत अरे दूसरी हदीस शरीफ है मन ज़ारा क़ब्री बादा मौती कअन्नहु कमन ज़ारा लिज़्ज़ी हयात पहली हदीस में क्या है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत क्या हुई वाजिब बोलो ना बोलो क्या हुई वाजिब दूसरी हदीस शरीफ में क्या है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत मेरी मौत के बाद किया उसने गोया मेरी ज़ियारत मेरी जिंदगी सुभान अल्लाह
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब तू से सब